के दिल्ली प्रवास में कल पुरी जी से केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात हुई, जो बहुत ही सार्थक रहा, और बिलासपुर के लिए कमर्शियल फ्लाइट की स्वीकृति उन्होंने प्रदान की, और उसके साथ साथ यहाँ कार्गो हब के लिए भी हमने आग्रह किया है, और एक सप्ताह में वो अधिकारी भेजने वाले हैं, वो आएंगे और इसे परीक्षण करेंगे। तीसरी बात, अंबिकापुर के लिए भी हमने 3C लाइसेंस के लिए भी कहा है, तो उसके जो रिक्वायरमेंट होते हैं उसको फुलफिल करने का कहा है, और उसको हम लोग फुलफिल करेंगे, और 3C लाइसेंस वहाँ मिल जाए तो वहाँ भी फिर 72-सीटर प्लेन उड़ान योजना के माध्यम से वो जुड़ जाए हमारी कोशिश। चौथा, जगदलपुर के लिए भी हमने कहा कि ये जो हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर के लिए जो यात्री वायुयान जो चल रही है उसको और शहरों से जोड़ा जाना चाहिए, तो उसमें भी सहमति उन्होंने व्यक्त की। तो हवाई सेवा के लिए कल बहुत अच्छा दिन रहा हमारे लिए, और ख़ासकर बिलासपुर के लिए, रायपुर के लिए, अंबिकापुर और जगदलपुर के लिए। आज गडकरी जी से मुलाकात हुई, और जिसमें जितने भी नेशनल हाईवे हमारे हैं उसके रिपेयरिंग के लिए और उसके चौड़ीकरण के लिए उन्होंने सहमति दी। साथ ही 4 राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भी, यहाँ से रायपुर से वाइजाग के लिए, और दूसरा अंबिकापुर से बनारस के लिए, तीसरा जो रायगढ़ से पत्थलगांव इलाका, और एक चौथा जो मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली जो सड़क है, वो भी 4 राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए उन्होंने सहमति व्यक्त की। और उसी प्रकार से जो LWE क्षेत्र है उसके लिए भी उन्होंने सहमति व्यक्त की। जी अब वो मतलब अभी सहमति दिए हैं, तो फिर प्रोसेस में समय तो लगता है, DPR बनने में, फिर उसके DFPR बन गया तो फिर सेंक्शन होने में, फिर उसके टेंडर होने में तो टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि काफ़ी कुछ इस मीटिंग में बहुत ही बैठक जो सार्थक रही है। तीसरी बैठक माननीय पीयूष गोयल जी से हुई है, और अभी भी वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना को वो बोनस मार रहे हैं, और इस कारण से चावल नहीं लेने की बात वो कह रहे हैं। मैंने कहा कि भाई ये बोनस नहीं है, जिस प्रकार से आपका प्रधानमंत्री किसान न्याय सम्मान निधि है उसी प्रकार से ये योजना है। आप 500 रुपये महीने दे रहे हैं, हम 10,000 रुपये एकड़ दे रहे हैं, तो इसके मामले में कुछ और दस्तावेज के साथ बैठने की बात जो सहमत हुए हैं। मैं फिर से 15 तारीख के बाद भी कोई समय उपलब्ध होगा उसमें जाके फिर उनसे बात करूँगा। मैं समझता हूँ कि उसमें भी सहमति 60 लाख मीट्रिक टन की पहले जो सहमति दिए थे उसकी अनुमति मिले, ये हमारी कोशिश होगी। राहुल जी से और प्रियंका जी से भी संयुक्त रूप से उनके साथ लगभग 1 घंटे की बैठक रही है, जिसमें जहाँ चुनावी राज्य हैं वहाँ और देश के राजनीति के बारे में भी चर्चा हुई। तो बहुत दिनों उसे पेंडिंग थी उसे मुलाकात, तो मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात थी। आप परसों जा रहा हूँ आसाम, 7 तारीख कार्यक्रम है वहाँ जोरहट में, 2 दिन का कार्यक्रम है, सभा भी है और प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और कुछ उद्योग विभाग के भी काम है उसमें भी शिरकत करूँगा। तो उसके बाद 12, 13, 14 को संभवतः राहुल जी जा रहे हैं, फाइनल प्रोग्राम बनेगा, तो उसमें भी मुझे कहा कि उसमें रहना है, तो उस कार्यक्रम ये देखिए वो अपने दीवार में वो पेंट करके रखे हैं, मुझे दिखाया उन्होंने। अब वो उसके अर्थव्यवस्था किस प्रकार से होगी, कितना इकोनॉमिक है नहीं है, इसमें हम बहुत डिस्कशन नहीं किया, लेकिन पेंट लगेगा तो कितना गोबर लगेगा पेंट में, तो सवाल उससे एक यूज़, जैसे हम लोग दिया बना लेते हैं, जिस प्रकार से धूप बना लेते हैं गोबर का, उसी प्रकार से पेंट में भी उतने ही, उससे ज़्यादा गोबर की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं पेंट में, लेकिन हाँ एक अच्छा उपयोग हो रहा है उससे, तो गोबर से एक और उपयोग कि उसे पेंट बनाया जा सकता है। इसमें भी कुछ बात कही क्या थी कि पहले आप कह चुके हैं कि हमसे गोबर खरीदे तो ये प्रस्ताव रखा क्या? मैं तो वहाँ भी कहा कि भाई हम तो 2 रुपये में खरीद रहे हैं,
और उन्होंने कहा 5 रुपये में, तो बोले कितना चाहिए बता दी सप्लाई कर देते हम। तो फिर उसमें वो बहुत साथ दिया। किसान कल फिर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, अभी तो भी किसान आंदोलन का समर्थन। अब बिल्कुल हमारा, मैंने पहले कहा समर्थन है इसमें, ठीक है, थैंक यू।